नमस्कार सभी को, मैं आज आपको कक्षा पांचवीं शिष्यवृत्ति में प्रतिबिंब और प्रतिमा के बारे में बता रहा हूं कि दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब कैसा रहता है, कि दर्पण में आकृतियां, अंक और अक्षर कैसे दिखाई देते हैं। तो हम प्रतिदिन दर्पण का उपयोग करते हैं और अपनी प्रतिमा आईने में देखते हैं, तो हमने कभी ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया है क्या? प्रत्यक्ष में अपनी और अपने आईने की प्रतिमा में क्या परिवर्तन दिखता है? आपने सिर और अपने हाथ का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपने सिर का भाग जैसे का वैसा स्थिर होता है, परंतु अपना दायां हाथ आईना के प्रतिमा में बाईं ओर दिखता है और बायां हाथ आईना के प्रतिमा में दाईं ओर दिखाई देता है। तो बच्चों, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके लिए मैंने कुछ मुद्दे लिखा है कि दर्पण में दिखाई देने वाली आकृतियां और प्रतिमा कैसे दिखाई देती हैं, उसको हम अभी समझेंगे। हमने इतना तो समझा कि हम प्रतिदिन दर्पण को देखते हैं, लेकिन हमें ज्ञात नहीं होता है कि दर्पण में हमारे शरीर का क्या परिवर्तन हुआ। तो हमें यह ध्यान देना है कि हमारा जो दाहिना सिरा है, यानी दाहिना हाथ दर्पण में बाईं ओर दिखाई देता है और बायां जो है वो दाईं ओर दिखाई देता है। ये बच्चों कुछ मुद्दे मैंने यहाँ लिखा है कि किसी वस्तु अथवा आकृति को आईने में या दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को देखने पर मुख्य वस्तु या आकृति की दाईं ओर और बाईं ओर में अदला बदली नज़र आती है, अर्थात दायां भाग जो है बायां हो जाता है और बायां भाग जो है दायां हो जाता है। और दूसरा मुद्दा देखिए क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में अंक, अक्षर और आकृतियों का उपयोग किया जाता है। जब हमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है, तो उन प्रश्नों में क्या होता है, अंक होते हैं और आकृतियां होती हैं। तीसरा मुद्दा देखिए इसमें क्या है, हमें क्या याद रखना है, आईने में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब के कारण विद्यार्थी, अब इससे हमें लाभ क्या है, इनके प्रश्नों से हमारे विचारधारा में क्या परिवर्तन होता है बच्चों को, कि इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आईने में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब के कारण विद्यार्थियों की विचार क्षमता, निरीक्षण क्षमता और तर्क क्षमता को बढ़ने में मदद मिलने वाली होती है। तो बच्चों, हमें ध्यान देना है कि शिष्यवृत्ति में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसमें हमें करना क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी जाती है और उत्तर आकृति में चार पर्याय दिए रहते हैं। तो और क्या है, इन चार पर्याय में से सही उत्तर के पर्याय क्रमांक के वृत्त को रंग भरना आवश्यक होता है। तो हमें करना क्या है, पहले प्रतिबिंब को, दर्पण में देने वाले प्रतिबिंब को समझना है, उसकी अदला बदली, दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है, ये हमें इसमें क्या करना है, समझना है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न आकृति है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं प्रतिबिंब और प्रतिमा में कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न आकृति के दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, उसे उत्तर आकृति में से चुनकर उसका विकल्प छायांकित करो। तो हमारा ये देखिए प्रश्न है और ये दर्पण यहाँ बना हुआ है, इस निशान को आप
दर्पण समझेंगे। जब ऐसा निशान बना हुआ है तो समझिए ये दर्पण है, यानी दर्पण यहाँ रख के ये आकृति दिखेगी कैसे। तो हमें यहाँ देखना है, पहली आकृति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथे क्रमांक की आकृति ये है। तो इसमें से ये कोई पर्याय जो है सही है। तो यहाँ हमें ध्यान से देखना है कि दर्पण को जब हम यहाँ रखेंगे तो दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। तो ये आकृति तो उल्टा है, देखिए ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और ये आकृति ये सेम आकृति दिख रही है, परंतु ये तीन नंबर क्रमांक में देखिए ये जो लकीर है यहाँ दाएं हो गई है और ये बाएं हो गया है। तो इसमें जो है ये तीन नंबर का पर्याय जो है ये सही उत्तर है, ये दर्पण में आकृति हमें इस तरह की दिखाई देगी, ये उत्तर इसका सही है। ये प्रश्न क्रमांक, ये प्रश्न आकृति है और इस आकृति का के उत्तर पर्याय यहाँ देखिए चार है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। अब इसमें से कोई एक उत्तर है, इस निशान को आप दर्पण समझिएगा। तो हमने देखा, हमें ज्ञात है कि दर्पण में देखने पे दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। तो ये देखिए ये तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं होगा। ये आकृति देखिए ये जो है यहाँ दाएं तरफ है और इसमें बाएं तरफ है, ये हिस्सा दाएं तरफ है और ये बाएं हो गया। तो इसमें भी देखिए प्रश्न क्रमांक ये जो तीन है, ये तीन नंबर की आकृति का ये उत्तर सही होगा कि यह आकृति दर्पण में इस तरह से दिखाई देगी। प्रश्न आकृति तीन देखिए, इस तरह की आकृति है और यहाँ दर्पण बना हुआ है और एक दो तीन चार, इसे हमें ध्यान से देखना है कि दर्पण में ये आकृति किस तरह से दिखाई देगी। यह आकृति नहीं होगी, यह भी आकृति नहीं होगी और यह भी आकृति नहीं होगी, क्योंकि हमें ज्ञात है कि ये दायां जो है बाएं तरफ हो जाएगा, बाएं दाएं तरफ हो जाएगा। तो इस आकृति को हम ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि इस यही आकृति सही है, क्योंकि ये देखिए ये बायां बायां दायां हो गया और ये दायां बायां हो गया। तो ये तीन नंबर पर्याय की आकृति क्या है, इसमें सही है, दर्पण में यह है आकृति इस तरह से दिखाई देगी। ये प्रश्न क्रमांक चार है बच्चों, प्रश्न आकृति ये है, इस डिब्बे में 689 लिखा है, 689 लिखा है और यहाँ दर्पण बना हुआ है। इसमें देखना है कौन सा उत्तर पर्याय क्रमांक एक दो तीन चार, इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमें ध्यान से देखना है कि दायां जो है बाएं हो जाता है, दायां बाएं हो जाता है और ये आठ तो बीच में सेम टू सेम रहेगा। अब हम ध्यान से इसको देखेंगे, दायां बाएं तरफ हो जाएगा, ये नाइन जो है इस तरफ हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक उत्तर सही होगा। तो हमें ध्यान से देखना है, यहाँ भी नाइन दिख रहा है, ये नाइन दोनों सेम दिख रहा है, अर्थात ये गलत है। इसमें जो है ये पर्याय क्रमांक दो जो है यह आकृति सही है कि 689 दर्पण में इस तरह से दिखाई देगा। आकृति क्रमांक पाँच को देखिए, यह आकृति बनी हुई, इसमें तीर का निशान है और उत्तर पर्याय एक दो तीन चार, इन चार में से कोई एक उत्तर है सही है जो दर्पण में दिखाई देता है। तो हमें ध्यान से देखना है, इसमें दायां बाएं हो जाता है और ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है, इसमें भी नहीं है, दोनों में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस आकृति में दिखाई दे रहा है। और ये पहला क्रमांक आकृति जो है ये सही है, ये दायां बाएं हो गया, बायां दाएं हो गया, तो ये जो आकृति है दर्पण पे इस तरह से दिखाई देगी। आकृति क्रमांक छः देखिए, F80 लिखा हुआ है और ये दर्पण बना है, उत्तर क्रमांक एक दो तीन चार। तो हम जानते हैं कि दर्पण में देखने पे दायां बाएं हो जाता है, बाएं दाएं हो जाता है। तो ये देखिए ये 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 सही नहीं, ये भी सही नहीं दिखाई दे रहा है, टी 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 बाएं दाएं, क्योंकि इसमें देखिए F ये सही बना हुआ है, तो इसलिए ये भी सही नहीं होगा, ये उल्टे हो गया।
और ये भी सही नहीं होगा। ये तीन नंबर का पर्याय जो है सही होगा। देखिए दायां, ये टी जो है दाएं बाएं का दाएं हो गया, और एफ का जो ये सिरा है दाएं का बाएं हो गया है यहाँ पर, इसलिए ये तीन नंबर की आकृति जो है ये सही होगी। दर्पण में एफ ए टी फैट इस तरह से दिखाई देगा। देखिए आकृति क्रमांक यह है, यहाँ धन का निशान है, यहाँ जीरो है। अब दर्पण में ये कैसा दिखाई देगा, यहाँ उत्तर क्रमांक 1, 2, 3, 4। तो देखिए ध्यान से हम इसको देख रहे हैं, ये जो इसमें चार ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये जीरो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ये वाला देखिए गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यल यहाँ दिखाई दे रहा है, यल यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ ये भी, इसमें चार नंबर का पर्याय जो है ये सही दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो धन है यहाँ से यहाँ आ गया, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ आ गया, ये जीरो जो है यहाँ से यहाँ आ गया, तो चार नंबर का पर्याय जो है यह सही आकृति है कि दर्पण में यह आकृति इस तरह से दिखाई देगी।